हमीरपुर के टाउन हॉल में वोडाफोन फाउंडेशन द्वारा हमीरपुर के युवाओं के लिए आयोजित स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि नया भारत बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में युवाओं की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए उनका सशक्तिकरण जरूरी है। अनुराग ठाकुर ने वोडाफोन फाउंडेशन द्वारा हमीरपुर के युवाओं के लिए आयोजित स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वोडाफोन जैसी वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आगे आ रही है। इंडिया फाउंडेशन, कैप फाउंडेशन और प्रयास जो हमीरपुर की संस्था है, इन तीनों ने मिलकर एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किया। मेरा अनुरोध वोडाफोन से था कि हम अपने यहाँ के युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर यानी कि स्किल उपलब्ध करवा के उनको स्थानीय तौर पर ही रोजगार देने का स्वरोजगार देने का अवसर पैदा करें। उन्होंने बहुत साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से उस पर अध्ययन किया। जिस व्यक्ति की रुचि जिस विभाग में थी उस तरह की उनको स्किल उपलब्ध कराई, स्किल ट्रेनिंग दी और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद वोडा इंडिया फाउंडेशन और कैप ने उनको यहाँ पर स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाया। 378 में से 270 से ज्यादा विद्यार्थी चंद महीनों के अंदर स्वरोजगार पाए। ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रशिक्षण मेरे प्रयासों से और वोडा इंडिया के प्रयासों से हुआ है और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह के प्रशिक्षण और ज्यादा करवाए जाएं ताकि उनको स्थानीय तौर पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल जाए। एक बहुत सफल प्रोग्राम रहा और इस प्रोग्राम को मैं अपनी ओर से एक रिपोर्ट बनाकर स्किल इंडिया के मंत्री को भी भेजने वाला हूं ताकि इस सफल परियोजना को पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाए। भारतीय युवाओं के लिए वोडाफोन की प्रतिबद्धता पर बात करते हुए पी बालाजी, डायरेक्टर रेगुलेटरी एक्सटर्नल अफेयर वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए युवाओं को कौशल एवं आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। इस अवसर पर सांसद ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।